गाइस आप लोगों की कोई ना कोई फेवरेट गेम तो होगी। तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि उस गेम ने आज तक कितना पैसा कमाया है? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसी बेस्ट सेलिंग गेम्स जो कि 2022 एंड 2023 में बेस्ट सेलिंग गेम्स रह चुकी हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी कर देना। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हॉगवर्ट्स लेगेसी। गाइस हॉगवर्ट्स लेगेसी एक रोल प्ले गेम है जिसे डेवलप किया था एवलांच सॉफ्टवेयर्स ने। एंड ये गेम जो है ना हैरी पॉटर एंड हैरी पॉटर की नॉवेल्स पे जो है बनाई गई है। एंड इसीलिए इसको रिलीज किया गया था कंसोल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए 7 फरवरी 2023 को। और अगर हम बात करें इसके टोटल रेवेन्यू की तो $850 मिलियन का इसने एक सॉलिड रेवेन्यू जनरेट किया था। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी एक बहुत ही मशहूर फ्रेंचाइज है और कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 अपनी 2019 में आई हुई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का सीक्वल है जिसे 28 अक्टूबर 2022 में कंसोल एंड विंडोज के लिए रिलीज किया गया था। और इस गेम ने तो सिर्फ 3 दिन के अंदर ही $800 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और 10 दिन के बाद इस गेम ने $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था जो कि सच में भाई बहुत ज्यादा होता है। डेड स्पेस रीमेक एक हॉरर सर्वाइवल गेम है जिसे डेवलप किया था मोटिव स्टूडियोज ने एंड इसे पब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। एंड ये गेम रिलीज हुई थी 27 जनवरी 2023 में। और अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो ईए का ये कहना है कि हमने इसकी 2 मिलियन कॉपीज सेल्ड की हैं। लेकिन ईए का ये कहना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 6 मिलियन कॉपीज तक सेल करने की थी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन पे ये गेम पूरी नहीं उतर पाई। मैडन NFL 2023 एक स्पोर्ट मल्टीप्लेयर गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। एंड ये रिलीज हुई थी 16 अगस्त 2022 को। एंड इस गेम में भी EA का ये कहना है कि हमने इसकी 3 मिलियन कॉपी सेल की हैं। FIFA 2023। गाइस FIFA का तो आप लोग जानते ही होंगे। FIFA 2023 एक ऑनलाइन ऑफलाइन फुटबॉल गेम है जिसे डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। एंड ये अपनी 13th इंस्टॉलमेंट है FIFA फ्रेंचाइज में जिसे 27 सितंबर 2022 में कंसोल एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और निंटेंडो स्विच के लिए रिलीज किया गया था। और अगर हम बात करें इसके टोटल रेवेन्यू की तो इसने $7.8 बिलियन का एक सॉलिड रेवेन्यू जनरेट किया था। और EA का ये भी कहना है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल भी है अकॉर्डिंग टू हिज रेवेन्यू। The Last of Us Part 1। The Last of Us एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप किया Naughty Dogs ने एंड इसे पब्लिश किया था Sony Interactive Entertainment ने। एंड इसे पहली बार PlayStation 3 के लिए 14 जून 2013 को रिलीज किया गया था और PC में आने में इसको तकरीबन 10 साल लग गए, लेकिन फाइनली 28 मार्च 2023 को इस गेम को PC में भी रिलीज कर दिया गया। और इसने रिलीज होने के बाद ही $37 मिलियन कमाए। और इसके इतने कम रेवेन्यू के पीछे एक मेन रीजन ये है कि इसकी ग्लिचेस। गाइस इस गेम को जब रिलीज किया गया तब इस गेम में बहुत ज्यादा ग्लिचेस थे जिसकी वजह से प्लेयर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब रहा इस गेम के साथ। एल्डन रिंग एक्शन रोल प्ले गेम है जिसको डेवलप किया फ्रॉम सॉफ्टवेयर्स ने एंड इसे 25 फरवरी 2022 को कंसोल एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए रिलीज किया गया था। अकॉर्डिंग टू दी न्यूज उनका ये भी कहना है कि इस गेम के रिलीज होने के 2 वीक्स बाद ही हमने इसकी 12 मिलियन कॉपी सेल कर दी थी एंड अब तक उन्होंने 27 मिलियन कॉपी सेल कर दी है। वाइल्ड हर्ट्स एक एक्शन रोल प्ले गेम है जिसे डेवलप किया ओमेगा फोर्स ने एंड पब्लिश किया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। और ये रिलीज हुई थी 16 फरवरी 2023 को कंसोल एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। और कंपनी का ये कहना है कि हमने इनके 88 के यूनिट्स PS4 के यूजर को सेल किए थे और निंटेंडो स्विच को इन्होंने 48 के यूनिट सेल किए थे। और अगर बात करें प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स फैमिली की तो एक्सबॉक्स फैमिली को इन्होंने 6600 यूनिट सेल किए थे और प्लेस्टेशन 4 वालों को 1580 यूनिट सेल किए थे। और भाई अगर आपको इसके टोटल रेवेन्यू निकालना है तो कैलकुलेटर निकालो और शुरू हो जाओ और कमेंट करके भाई मुझे भी बता देना कि इसका टोटल रेवेन्यू क्या बनता है। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। गाइस मुझे नहीं लगता कि इस गेम को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्योंकि इस गेम को आप सब जानते ही होंगे, फिर भी चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे डेवलप किया सेंटा मोनिका ने एंड से पब्लिश करता है सोनी इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। एंड गाइस इस गेम को जो है ना एक किताब भी मिल चुका है वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल सोनी की तरफ से। एंड गाइस अगर हम बात करें इसकी रिलीज डेट की तो ये रिलीज हुई थी 9 नवंबर 2022 को प्लेस्टेशन के लिए, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम है जो हो सकता है इन फ्यूचर PC पे भी आए। एंड इसीलिए ये गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक फास्टेस्ट सेलिंग गेम भी रही है इन द हिस्ट्री ऑफ प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल्स, जो कि सच में भाई बहुत बड़ी बात है। और इस गेम की रिलीज होने के 3 मंथ्स बाद ही इन्होंने 11 मिलियन कॉपी सेल कर दी थी, तभी तो भाई ये प्लेस्टेशन की हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेलिंग गेम भी है। फोरस्पोकन एक रोल प्ले एक्शन गेम है जिसे 24 जनवरी 2023 को PC एंड PlayStation 5 के लिए रिलीज किया गया था और इस गेम ने भी लगभग $4.1 मिलियन तक कमाया था।
गाइस बस यही थी वो टॉप 10 बेस्ट सेलिंग गेम्स 2023 एंड 2022 की। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की इसमें से फेवरेट गेम कौन सी एंड आप लोगों ने कौन कौन सी गेम इनमें से प्ले की हुई है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। एंड भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैंने अभी काफी लोगों को देखा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो को देखते हैं। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड गुड बाय।